मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनाने जा रहे हैं, वेज मक्खन वाला, जो बहुत ही डिलीशियस और बनाने में बहुत सिंपल है। तो आइए देखते हैं कि ये वेज मक्खन वाला सब्जी कैसे बनती है। वेज मक्खन वाला बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, फिर उसमें 1/4 टीस्पून जीरा, 2 तेज पत्ते, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 इलायची और 2 मीडियम साइज के प्याज डालकर 1 मिनट तक हल्का सा पका लेंगे। अब इसमें 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 टमाटर काट कर डाल देंगे और इसमें धनिए के 5 से 6 डंठल डाल देंगे। अब इसमें 1 हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कली, 1/4 कप काजू डालकर मिक्स करेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक और थोड़ी कसूरी मेथी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच बटर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 कप जितना पानी डालकर मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। A few minutes later. आप देख सकते हैं कि ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है। अब इसमें से तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा निकालकर इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी ग्रेवी ठंडी होती है तब तक हम अपनी वेजिटेबल्स को कुक कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। अब इसमें 1 कप जितना फूलगोभी, 1/2 कप गाजर, 1/2 कप मटर और 1 चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप जितना पानी डालकर इसे 2 मिनट तक ढक कर पकाएंगे। A few minutes later. आप देख सकते हैं कि सारे वेजिटेबल्स अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसमें 1/2 कप फ्रेंच बीन्स, 1/2 कप कैप्सिकम डालकर हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। A few minutes later. आप देख सकते हैं हमारे वेजिटेबल्स कुक हो गए हैं। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो सभी वेजिटेबल्स गल जाएंगे। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमारी ग्रेवी ठंडी हो गई है। इसे मिक्सर जार में डाल के हल्का सा पानी डालकर एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक, 1/2 टीस्पून चॉप किया हुआ अदरक और 1 हरी मिर्च डालकर पकाएंगे। अब इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर 1/2 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है। अब इसमें हमने जो ग्रेवी बनाई थी उसे छानकर इसमें ऐड कर देंगे। और इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। उसके बाद हमारे सारे वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देंगे और ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच किचन किंग मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1 चम्मच चीनी ऐड करके 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे।
अब इसमें ऊपर से 2 चम्मच फ्रेश क्रीम और 1 चम्मच बटर डालकर मिक्स कर लेंगे। अब ऊपर से थोड़ा धनिया डाल देंगे। तो तैयार है हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल वेज मक्खन वाला सब्जी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में बताना ना भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।